हेलो फ्रेंड, आज हम पालक के सब्जी बनाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है पालक। तो इसके लिए हमने 500 ग्राम पालक ली है। पालक को अच्छे से धो लिया है, धोने के बाद ही काट लेंगे। तो जो भी डंडियां ख़राब है उसे काट लेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट के रख लेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड, आप हमें फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। कुक विद इंडियन टेस्ट को लाइक एंड फॉलो करें। तो आप देख सकते हैं, मैं इस तरीके से पालक को काट के रख लूँगी। रफली ही काट लेंगे, इतना भी बारीक नहीं काटना है। तो हमने सारे पालक को काट के रख लिया है। अब यहाँ पे 2 से 3 आलू लिया है, एक प्याज है। तो आलू को भी काट लेंगे मोटे मोटे पीस में। तो इस टाइप से आलू को भी काट लेंगे और प्याज को भी रफली ही काटेंगे मोटे मोटे पीस में। अब हमने प्याज भी काट के रख लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे, या तो आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो डाल लें। सरसों का तेल में बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। सरसों का तेल है तो अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब इसमें आलू को शैलो फ्राई कर लेंगे, ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट लगेगा। इस तरीके से एक बार आप ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है पालक के सब्जी। तो आलू हमारे ब्राउन हो गया है, अब इसे मैं निकाल लूँगी। अब इसी तेल में तड़का डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 गांठ ली हूँ लहसुन का। जी हाँ दोस्तों, इस गांठ को हम नहीं तो छीलेंगे, और ये गांठ साफ सुथरी होनी चाहिए। तो इस गांठ को ही तेल में डाल देंगे। इस तरीके से आप बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है। जब आप खाएंगे तो एक एक बाइट में जाएगा लहसुन, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम लोग ये बनाते ही रहते हैं। तो लहसुन हमारा गोल्डन हो गया है, अब इसको इसी में छोड़ देते हैं। और लहसुन को हमने 6 से 7 लहसुन के कलियां को बारीक काट ली है, उसमें डाल लेंगे। और एक पिंच हींग भी डाल लेंगे। इन दोनों को अच्छे से तरकने देंगे। तो 1 चम्मच हमने जीरा भी डाला, 2 लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लाल मिर्च को अच्छा सा गोल्डन होने देंगे। अब एक प्याज कटी हुई डाल लेंगे, इसे भी अच्छा सा गोल्डन कलर होने तक पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं प्याज भी अपना कलर छोड़ने लग गया है। तो अब यहाँ पे सूखी मसाला में 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ली है 1 चम्मच। ये तीखी वाली है, आप लाल मिर्च पाउडर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लो कर देंगे फ्लेम को और सूखी मसाला 1 मिनट तक भूनने के बाद 2 टमाटर कटे हुए डाला। टमाटर को बारीक काट लिया। अब यहाँ पे 1/4 चम्मच नमक डाला है। इस टाइम नमक इतना नहीं डालेंगे, थोड़ी सी पानी डाल दिया, 1/2 कप। अब इस टमाटर को अच्छे से पका लेते हैं। जब तक टमाटर गल ना जाए तब तक पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट तक बंद कर दिया। बंद करने के बाद टमाटर जल्दी से घुल जाते हैं। तो अब देख सकते हैं टमाटर घुलने लग गया है। तो इसे दबाते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देख सकते हैं टमाटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। कढ़ाई में तेल भी छोड़ने लग गया है, तो मसाला हमारा पक गया है। अब मैं इसमें 1 बड़े चम्मच दही डालूंगी। ये फ्रेश दही है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमने 1/2 कप पानी डाला और इस टाइम हमारा फ्लेम लो था। दही डालने से पहले फ्लेम को लो कर लेंगे।
फिर दही डालेंगे, नहीं तो दही फट जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा मैंने पानी डाला ताकि टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए और दही फटे ना। अब अच्छे से मिक्स करते हुए दही को भी पका लेंगे मसाले के साथ ही। तो 2 से 3 मिनट लग जाएगा दही को पकाने में। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर भी अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल तैयार है। मसाला अच्छे से पकाएंगे तभी सब्जी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मसाला पक गया है। अब इसमें हमने शैलो फ्राई किए हुए आलू और पालक डाल देंगे। और इसे मिक्स करेंगे हल्के हाथों से, आलू टूट ना जाए क्योंकि 50% पका हुआ है आलू। तो अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए बंद कर देंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि पालक जल्दी से गल जाए। 2-3 मिनट में देखेंगे पालक गल जाती है। तो ये देखिए पालक हमारी गल गई है। अब एक बार इसे मिक्स करके टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि पालक है तो पहले नमक डालते तो नमक ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए 2-3 मिनट बंद करके पकाने के बाद ही डाला। तो एक अंदाज़ा आ जाते हैं कि हमें नमक कितना डालना है। अब अपने हिसाब से पानी डाल लें, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा पानी डालें, थोड़ा कम है तो कम ही डालें। यहाँ पे मैं 4 गिलास पानी डाली हूँ। अब इसे हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 5 से 7 या 10 मिनट भी लग सकते हैं, देखेंगे कि पालक हमारा पका है या नहीं। पालक को चेक करेंगे, आलू तो पक ही जाते हैं। तो फ्रेंड पालक भी हमारी पक गई थी, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें आप धनिया हरी धनिया डाल सकते हैं और एक लहसुन के साथ सब्जी को सर्व करें। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।